जनाब आज बनाई है मज़ेदार कढ़ाई। चलें इसकी रेसिपी हम लोगों से शेयर करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो जो चीज़ें होंगी वो आपके घर की होंगी, ठीक है। सिर्फ चिकन लेकर आनी है, बाकी आपके घर में सब चीज़ें होती हैं। चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये चिकन कढ़ाई मैंने कैसे बनाई है, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख शुक्र है। तो आप देखें नौरीन के किचन में मज़ेदार वाले खाने। आज नौरीन क्या बना रही है जी, चैनल देखने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा था सोना सा प्यारा सा कमेंट कर दिया, ठीक है। ये कढ़ाई रख दी है, ठीक है। आज जी कढ़ाई बनाएंगे, बॉलेंस कढ़ाई बनाएंगे, ज़बरदस्त किस्म से बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ठीक है। फिर एक प्लेट नहीं, चार चार प्लेटें खाएंगे जब आप ले लो, ये अपनी फैमिली के साथ बना के खाएंगे, ठीक है। ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आ गया शाशा कढ़ाई का, इससे बनाएंगे, ठीक है। और ये कोई इतनी महंगा भी नहीं है, ठीक है, 60 रुपये का आराम से 1 किलो कढ़ाई सुकून के साथ बना सकते हैं। टमाटर आ गए हैं, इनको मैंने 2 पीस में काट लिया, ठीक है। आप इस तरह से काटेंगे तो बहुत अच्छी आपकी कढ़ाई बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हरा धनिया, मिर्चें, अदरक, ये बात की बात है, ठीक है। अभी नहीं हमने इसको ऐड करना, ठीक है। अभी जो ऐड करेंगे ना ये है चिकन पॉलस, ठीक है, जिनको मैंने पीसेस में ऐसे कटवा लिया था, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पीस नजर आ रहे ना वो ऐसे ये वाले, ये कटिंग करवा ली थी मैं, ठीक है। तो अभी ये ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मज़े का जो ना यहाँ पर कढ़ाई बनने वाली, ठीक है। ये है जी ऑयल हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, जितना भी आपको चाहिए ऑयल, क्योंकि कढ़ाई बना रहे हैं। तो चले जी ऑयल ऐड कर दिया। अब ये चिकन और ये टमाटर अभी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये जो चिकन है ये ऐड करनी है। ओह तो ब्राउन करेंगे पहले चिकन को, फिर उसके बाद टमाटर ना ये ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़े से चिपक रही है, देखिए इसका कलर हमने चेंज करना है। चिकन को हमने पका लेना है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट करेंगे कब्राउन में। 6 बिस्किट लेकर आएंगे, ये कलर इसका जो ना चेंज हो जाएगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा भून लेंगे ना तेल में, फिर ये टमाटर जो है ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब क्या ऐड करेंगे, ये टमाटर है ना ये लगा देने आपने इस तरह से, फिर उसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ मैं, आपने इस तरह ही बनाएंगे तो आपकी ये कढ़ाई जो है बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कैप करवा देना, ठीक है, ताकि इसका जो छिलका ना वो उतार रहे हैं हम, जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, ठीक है जी। कैप मैंने लगा दी है और ये टमाटर जो ना सॉफ्ट हो जाएंगे, इसका छिलका निकाल देना है, फिर सारे मसाले जो ना इसमें ऐड करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, कहीं जाना नहीं है। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, पूरी वीडियो जो ना वॉच किया करें, बहुत बहुत शुक्रिया। टमाटर जो ना सॉफ्ट हो गए हैं माशाल्लाह से, अब इनका छिलका ना ये उतार लेना हमने, ठीक है। चले जी इनका छिलका ना उतार लेंगे, ये देखें आसानी के साथ ही निकल आएंगे, जितना भी है ना सारे सबका निकाल लेंगे। चले जी सबका निकाल दिया छिलका, अब क्या करना है, अब अच्छी तरह से ना इसको जो ना भूनना है, ठीक है। क्या देखिए सॉफ्ट है ना टमाटर, इतनी तरह से ये इसकी बनाई करेंगे, ठीक है। चले जी टमाटरों को और चिकन को मैंने भून लिया। अब जी हमने इस स्टेप पे क्या करना है जी, एक चम्मच अदरक लहसुन का डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे, ठीक है। साथ में ये कढ़ाई का मसाला है ये ऐड कर देंगे, ठीक है। बड़ा मज़े लगता है ये मसाला, यकीन करेंगे। और जब भी बनाती हूँ ना इसी मसाले से कढ़ाई बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ करेंगे सबको मसाले के साथ इसको भून लेना, ठीक है। इतना भूनेंगे कि टमाटर बिल्कुल नज़र नहीं आने चाहिए कढ़ाई में, जहाँ आप देख रहे हैं अच्छी तरह से इसको भून लेना, ठीक है। फिर जब ये कढ़ाई बन जाएगी ना, फिर एंड में ये मैंने काट के रखा हुआ यहाँ पर
हरा धनिया, हरी मिर्चें रखी हुई यहाँ पर, ये ऐड करेंगे, अदरक है ये ऐड करेंगे, ठीक है। और कढ़ाई आपकी हो जाएगी तैयार। कितनी आसान, बाहर के खाने ना खाया करें, अल्लाह के नेक बंदा बीमार होता है इंसान, घर पे बना के खाया करें, ठीक है जी। आपको नहीं आते बनाने, नौरीन किचन में आए, वीडियो निकालें, आराम से खाना तैयार करें, ठीक है जी। तो चलिए घूम लेते हैं, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मज़े मज़े का खुशबू बड़ी प्यारी प्यारी आ रही है। आप यहाँ देखें, कढ़ाई हो गई हमारी तैयार, ठीक है। अब इस स्टेप पे आपने हरा धनिया इसमें डाल देना, ठीक है। कितने मज़े की लग रही है, साथ ही आपने ये हरी मिर्चें हैं ये ऐड कर देनी है, ठीक है। चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद, क्योंकि खाना हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कढ़ाई कितनी मज़े की लग रही है, प्यारी लग रही है। ये रही आपकी हरी मिर्चें, इसमें डाल दी हैं, ठीक है। ये आ गया अदरक, कैसी लगी रेसिपी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, मेरे अल्लाह पाक की नेमतें और बरकतें, ठीक है जी। चले जी, अच्छी लगी माशाल्लाह। यहाँ देखें कितनी अच्छी कढ़ाई बनाई आप लोग को दिखाई बना के, तो लाइक तो बनता है, कर दीजिएगा, कंजूसी ना क्या करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ में पूरी वीडियो वॉच क्या करें, ठीक है। हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, दीजिए इजाज़त नौरीन को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिए, खाएं पिए मौज करें, यही ज़िंदगी। कल फिर नहीं मिल जाएंगे नई रेसिपी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।